पर आपके साथ मैं हूँ रश्मि गौरी। तो चलिए सीधे आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ले चलते हैं, जहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित हो गए हैं। और सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को अनाउंस करते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के चेयरमैन। पहले 12वीं का ना उधर से भी आ गया है। अब जो टॉपर हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं में टॉप किया है, उनके नाम घोषित किए जाएंगे। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया है 10th और 12th का रिजल्ट। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से एक साथ 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित होते आ रहे हैं। तो सबके दिलों की धड़कनें तेज, क्योंकि अब वो नाम निकल के आने वाला है जिसने टॉप किया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ द्वारा हाई स्कूल की जो मुख्य परीक्षा इस वर्ष आयोजित की गई थी, इसमें कुल 388,120 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे। ये संख्यात्मक जानकारी जितनी है वो अभी आपको प्रेस विज्ञप्ति शेयर की जा रही है 2 मिनट में, उसमें संख्याएं आपको मिल जाएंगी। कुल 3 परीक्षार्थियों की संख्या है 261,177। पिछले साल 67% के करीब हमारा रिजल्ट था, इस साल लगभग उसमें 1% की वृद्धि होकर 68.20% छात्र हाईस्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। बालिकाओं का प्रतिशत परंपरागत रूप से हमेशा अधिक रहा है, इस वर्ष भी बालिकाएं 70.77% उत्तीर्ण हुई हैं और बालक 65.25%। कुल छात्रों में से लगभग 28.5% प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, लगभग 36% द्वितीय श्रेणी में और लगभग 3.5% के करीब हैं जो थर्ड श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। लगभग 31,000 परीक्षार्थी पूरक परीक्षा में पात्रता रखेंगे। हायर सेकेंडरी में कुल मिलाकर हमारे 262,492 परीक्षार्थी रजिस्टर हुए थे, 260,000 के करीब परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। पिछले साल 5% हमारा हायर सेकेंडरी के लिए 76.69% था, जो कि इस साल बढ़कर 78.43% हुआ है, यानी इसमें भी लगभग हमारे करीब 1.5% की वृद्धि हुई है। हायर सेकेंडरी की व्यावसायिक परीक्षा में कुल 1944 छात्र पंजीकृत हुए थे और इनमें से 1904 छात्र हैं जो पास हुए हैं, जो 5% हमारा इसमें लगभग 98% से अधिक है। ये पिछले साल 5% इसका लगभग 94% था। मेरिट वाला आपका रेडी हो? हाँ, नहीं पीछे मेरिट वाला बजट का मेरिट वाला लगा पहले 10th का लगा रहे हैं। हाँ सर, पहले 10th या 12th? हायर सेकेंडरी परीक्षा में हायर सेकेंडरी की परीक्षा में योगेंद्र वर्मा, ये 12वीं का हायर सेकेंडरी का योगेंद्र वर्मा, ये मेरिट लिस्ट में टॉप किए हैं और बाकी जो बच्चे हैं देवेंद्र साहू, आदित्य सिंह, विनीता पटेल, क्षमा देवी राजपूत, मनीषा कुमारी, रितु कुमारी, उदित कुमार देवांगन,
डकी देवांगन, किरण साहू, अभिषेक जटसेना, महेंद्र बेहरा, सुशील गंजे, अंकित भोई, अमन सिंह राजपूत, नम्रता, बिंदिया चौधरी, संजना अग्रवाल, लोचन कुमार पाटले, शाहनवाज अंसारी, सीमा प्रधान और नरेश चौहान। जैसा आप अवगत होंगे, मेरिट लिस्ट में सबसे अधिक 10 मार्क्स पाने वाले जो बच्चे होते हैं उनको मेरिट लिस्ट के तौर पर घोषित किया जाता है। कुछ प्रकरणों में चूंकि समान अंक एक से अधिक बच्चों के भी होते हैं, तो इस साल 12वीं की मेरिट लिस्ट में हमारे 22 बच्चे मेरिट लिस्ट में आए हैं, जिनके नाम अभी पढ़ के आपको मैंने बताए और उनकी सूची अभी आपको उपलब्ध करा दी जाए। इसके अतिरिक्त कक्षा 10 के लिए निशा पटेल, योगेश साहू, तिलक झा, हेमा साहू, रानी भगत, युगल किशोर नायक, नितेश कुमार यादव, सृष्टि गौड़, साक्षी मिश्रा, राज सिंह, हितांशी जैन, तनकेश्वर निर्मलकर, मानवी कौशिक, भावना पटेल, सुशील कुमार पटेल, जागृति सिन्हा, सपना अपूर्व, मोनिका यादव, दीपिका लकड़ा, प्रियंका सिद्धार्थ, राजेंद्र प्रसाद और अविनाश चंदेल। निशा पटेल अभिनव बीएमएचएस स्कूल पुसौर रायगढ़ की 99.33% मार्क्स प्राप्त करके प्रथम स्थान पर रही है। बारहवीं का भी टॉपर का बता दो। वोकेशनल में नंबर 1 पर जो हम मेरिट घोषित करते हैं उसमें दामेंद्र कुमार, ये अभनपुर रायपुर के छात्र हैं जो वोकेशनल में स्टेट में टॉप किए हैं। ये हायर सेकेंडरी नंबर 1, हायर सेकेंडरी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र योगेंद्र वर्मा, ये महाराणा प्रताप हायर सेकेंडरी स्कूल जाफल के हैं और इनको 97.40 मार्क्स प्राप्त हुए। दूसरा वाला था आपके टेक्स्ट वाला जो था बाद में दिखा के अलग से वो जो सारे में ब्रेंड हो गए कहाँ गया सारे में ब्रेंड करके बताएं। इस पूरी परीक्षा के संचालन के लिए मंडल द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई थी उनके बारे में मैं संक्षेप में जानकारी देना चाहूंगा। मंडल द्वारा इस साल वेबसाइट बना करके सभी मूल्यांकन केंद्रों से प्रतिदिन जानकारी प्राप्त की जा रही थी, जिससे कि जो मूल्यांकन की और टैबुलेशन टोटलिंग की जो कार्यवाही है उसके ऊपर सतत नजर रखी जा सके। पिछले वर्ष 9 मई को परिणाम घोषित किए गए थे और इस साल भी इलेक्शन होने के बावजूद, जिसमें हमारे बड़ी संख्या में टीचर्स इलेक्शन की गतिविधि में संलग्न रहते हैं, उसके बावजूद लगभग बराबर समय में ही रिजल्ट इस साल भी घोषित किए गए हैं। पिछले साल 2018 में 11वीं और 12वीं में जो हमने एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लिया था उसके आधार पर ब्लूप्रिंट तैयार करा करके वेबसाइट पर लोड किए गए थे, जिसके वजह से छात्रों को और शिक्षकों को ये जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकी। आगामी सत्र के लिए जो 12वीं के जो नए सब्जेक्ट और एनसीईआरटी से लिए जा रहे हैं उनके भी ब्लूप्रिंट्स मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। विद्यार्थी परीक्षा के लिए तैयारी कर सके उसके लिए बोर्ड की वेबसाइट पर सैंपल क्वेश्चन पेपर्स भी डाले गए थे ताकि उनके आधार पर बच्चे बेहतर तैयारी कर सके। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे।